प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम ने व्यापारी हित में मनाया उड़नदस्ता, युवा टीम का विस्तार। बरेली उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम का कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला व युवा अध्यक्ष गौरव सक्सेना के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट अनिल सक्सेना रहे, जिनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महानगर युवा टीम का विस्तार हुआ, 60 युवा व्यापारियों को जोड़ा गया और महानगर युवा अध्यक्ष गौरव सक्सेना के नेतृत्व में 21 सदस्यीय टीम का उड़नदस्ता बनाया गया, जो व्यापारियों की मदद में रहेगा व बाजार में अतिक्रमण ना हो इस पर भी व्यापारियों को जागरूक करते हुए हर दुकान प्रतिष्ठान पर एक पौधा देकर स्वच्छ पर्यावरण हेतु जागरूक करने का कार्य करेगा। अजय प्रताप सक्सेना, प्रभारी अंकित मक्कड़, अध्यक्ष धीरज सक्सेना, सह प्रभारी शिवम सक्सेना, मंत्री पवन शर्मा, सह मंत्री सैफ, उपाध्यक्ष की टीम बनाई गई। संजय नगर का इकाई अध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी व महामंत्री राजीव कश्यप को मनाया गया। नई बस्ती का इकाई अध्यक्ष विक्की पाल को मनाया गया है। कार्यक्रम का सफल संचालन अंकित मक्कड़ ने किया व महानगर महामंत्री दीपक द्विवेदी ने मुख्य अतिथि एडवोकेट अनिल सक्सेना का स्वागत किया। मुझे व्यापारी सुरक्षा फोरम की ओर से इसके महानगर अध्यक्ष श्री रामकृष्ण शुक्ला ने यहाँ आमंत्रित किया था। इनके निमंत्रण पर मैं हाजिर आया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये व्यापारियों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि इसमें विशेषकर नौजवानों को शामिल किया जा रहा है ताकि वो संगठन को मजबूत बनाने में अपना सहयोग कर सकें। ये बहुत ही शीघ्र एक लंबी टीम लगभग 300 लोगों की घोषणा करने जा रहे हैं और महानगर में युवा संगठन की भी इन्होंने घोषणा कर दी व्यापारियों के। तो मुझे आशा है कि व्यापारियों की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को ये अपने स्तर से उठाते रहेंगे। वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है और हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हमने इन्हें ये एश्योरेंस दिया है कि व्यापारियों की कोई भी समस्या अगर होती है और आप के माध्यम से अगर समाधान होने में कहीं दिक्कत आती है तो हम पूरा सहयोग आपके संगठन को देंगे और आप संगठन को मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए, समस्याओं का समाधान कराइए। नमस्कार, मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है। मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम की महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ। हाँ जी, जैसा कि विदित है, आज उड़न दस्ते का गठन हुआ है और ये बहुत ही एक सराहनीय पहल है जो शायद अभी तक किसी व्यापारी संगठन ने नहीं की होगी और ये हमारे युवा नेता श्री गौरव सक्सेना जी के नेतृत्व में बना है और इससे जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उनका शीघ्र निराकरण होगा और यदि किसी व्यापारी को कोई भी समस्या आती है तो वो हमारे बड़े भाई रामकृष्ण शुक्ला जी हैं, दीपक द्विवेदी जी हैं और मैं हूँ, कोई भी समस्या तो तुरंत संपर्क करें। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, उसका समाधान नहीं हो रहा है तो हम लोग तुरंत उपलब्ध होंगे और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज व्यापारी सुरक्षा फोरम में एक उड़नदस्ते का गठन हुआ है जिसमें खास तौर से युवा इकाई के महानगर युवा अध्यक्ष प्रिय भाई गौरव सक्सेना जी के नेतृत्व में बना है। उस उड़नदस्ते के प्रभारी के रूप में अजय सक्सेना जी हैं और उनकी पूरी टीम है। उड़नदस्ता बरेली में, पूरी बरेली में काम करेगा और उसके तहत बाजारों में जो व्यापारी अतिक्रमण करते हैं उनसे निवेदन किया जाएगा, अतिक्रमण कृपया दुकान के बाहर ना करें। नगर निगम आए दिन ये अभियान चलाता है और हमारे व्यापारियों को दिक्कत होती है, ऐसे में उनको जागरूक करेंगे। चूँकि वन मंत्री हमारे बरेली के ही हैं और ऐसे में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी पौधे आपको चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक दुकान पर हम ये कोशिश करेंगे कि व्यापारी सुरक्षा फोरम एक एक पौधा अपनी ओर से दुकान पर रखा है, जिससे कि पर्यावरण के प्रति भी लोगों के अंदर जागरूकता की भावना पैदा हो। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, व्यापारिक हित के मुद्दे हैं। किसी व्यापारी की थाने में मदद नहीं हो पाती, वाणिज्य विभाग में मदद नहीं हो पाती, ये उड़नदस्ता उसकी मदद करेगा। 21 सदस्यीय ये उड़नदस्ता है। आज कई इकाई की घोषणा हुई है, संजय नगर इकाई की घोषणा हुई है, नई बस्ती इकाई की घोषणा हुई है और लगभग अभी 21 इकाइयां और हैं जिनकी जल्द घोषणा होगी। आज हमारे युवा शक्ति व्यापारी सुरक्षा फोरम में महिलाओं की भागीदारी
निश्चित रूप से बढ़ेगी और महिला व्यापारियों की मदद के लिए हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में श्रीमती राशि पाराशरी जी मौजूद हैं। और एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम युवा व्यापारी और महिलाओं का होगा, जिसके अंदर पूरी बरेली के व्यापारियों को एकजुट करके उनकी तमाम समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे। धन्यवाद।